Hello guys, this is Amita. Welcome to Tech Master Me. The subject is standard of quality practices. In the previous lectures, we have discussed some important concept of quality. Go and check them out in the description box. Today's topic is cost of quality. What is quality? The myth says quality is expensive and the fact says by the cross by. Cross by, who is cross by? A quality guru. We will discuss all the quality gurus later. सो ऑन द अदर हैंड द क्रॉस बाय सेट दैट क्वालिटी अ बैड क्वालिटी कैन कॉज यू इन अ लॉन्ग टर्म आप अभी थोड़ा सा खर्चा करके एक प्रोडक्ट को अच्छा बना सकते हैं instead ऑफ़ दैट अगर आप बैड क्वालिटी पर काम करते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपकी क्रेडिबिलिटी आपके प्रोडक्ट्स एंड आपकी सर्विसेज आपको जो उसको सुधारना पड़ेगा उस सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा ही कॉस्ट होने वाला है तो इन शॉर्ट कॉस्ट ऑफ क्वालिटी को ऐसे डिफाइन किया गया है कि क्वालिटी इज़ फ्री नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉस्ट फर्स्ट इज अब इसको फोर डिपार्टमेंट्स में बांटा गया है कॉस्ट ऑफ कर्फॉर्मेंस कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस बेसिक ऑपरेशन कॉस्ट प्रोवेंशन अप्रेजल एंड द फेलियर कॉस्ट कॉस्ट ऑफ कन्फॉर्मेंस फर्स्ट थिंग वट आईव टोल्ड यू अर्लियर कि कन्फॉर्मेंस का मतलब होता है कि स्पेसिफिकेशन जो आपको कंपनी ने बोले हैं किसी प्रोडक्ट के बारे में आर दे फॉलोइंग और नॉट ये इसके बारे में अब बेसिकली इफ यू सी द डेफिनेशन प्रोडक्ट फॉर प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम गोइंग टू द कस्टमर द प्रोडक्ट राइट बिफोर गोइंग टू द कस्टमर उससे पहले ही उसमें जो कुछ भी रॉन्ग हो सकता है उसको प्रिवेंट कर देना इस कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ कन्फॉर्मेंस ओके अब इसमें आप क्या कर सकते हो यू कैन डू अब प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में आप चेक कर सकते हो आउट गोइंग एंड ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉइज़ कर सकते हो जिससे कि जो आप मैनुफैक्चर कर रहे हो उसकी क्वालिटी ऑलरेडी बहुत अच्छी हो कि उसमें कोई डिफेक्ट्स होने के चांसेस ही ना रहे नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस इसका मतलब क्या होता है ये मत सोचना कि जस्ट जो कन्फॉर्मेंस का उल्टा हो जाएगा नॉन कन्फॉमेंस में नहीं हाँ बेसिकली इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें दिस कॉस्ट आर इनकर्ड बाय द कंपनी इन द रिपेयरिंग विच हैज़ गोन टू कस्टमर ओके एंड मे बी गॉट डिफेक्टेड और रॉन्ग कस्टमर के पास जो पहुंच चुका हो लेकिन इसके सुधारने के तरीके सिर्फ ये नहीं होंगे कि कस्टमर के पास पहुंचने के बाद ही हम इसको सुधारें इस डाउट को मैं क्लियर करूंगी इन द फर्दर वन नेक्स्ट इज बेसिक ऑपरेशनल कॉस्ट ये नॉर्मल कॉस्ट होते हैं जितने भी आपके ऑपरेशन में लगेंगे हैं मैनुफैक्चरिंग का कॉस्ट है नॉर्मल कॉस्ट द इज नथिंग लाइक क्वालिटी और सिंपल कॉस्ट है ये ओके नेक्स्ट इज प्रिवेंशन अप्रेजल एंड फेलियर इस सारे कॉस्ट को हमने इंटरनल और एक्सटर्नल दो पार्ट में डिवाइड किया है ऑल द अप्रेजल एंड द प्रिवेंशन कॉस्ट यी दीज कम अंडर द कॉस्ट ऑफ कन्फॉर्मेंस इसका एक अच्छा खासा चार्ट है which is like cost of quality is divided into cost of conformance and cost of non conformance cost of conformance is further divided into preventive and the appraisal cost and the cost of non conformance is internal failure cost and the external failure cost we will discuss it okay next if you talk about the cost of quality basic operating cost cost of non conformance and the conformance

नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस फर्स्ट इज प्रवेंशन कॉस्ट दिस अगर कोई मुझसे पूछे कि इसमें क्या आ सकता है इस टॉपिक में तो अल से कि ये ऑप्शन आ सकते हैं दे दिलास क्यूँ कि इसमें से कौन सा कन्फर्मेंस प्रवेंशन कॉस्ट है या फिर अप्रेजल कॉस्ट है ओके सो विच आर दीज थिंग्स क्वालिटी डेटा कलेक्शन क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट फील्ड ट्रायल्स जितना भी आप टेस्ट करते हैं किसी चीज़ को करके देखते हैं वो इसके अंदर आ जाएगा नेक्स्ट ये मार्केट रिसर्च योर क्वालिटी प्लानिंग योर क्वालिटी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग या स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल टेक्निकल रिव्यूज ऑल दिस कम्स अंडर द प्रिवेंशन ओके द प्रिवेंशन वन नेक्स्ट इज योर अप्रेजल अप्रेजल इज वॉट गुड्स इंस्पेक्शन इन प्रोसेस इंस्पेक्शन परचेज ऑर्डर चेकिंग फाइनल स्टॉक दैट मीन्स आपको सारा इसमें किसके बारे में कर रहा पोस्ट के बारे में पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग के बारे में आप बात करते हो ऑडिट्स फाइनेंशियल ऑडिट्स, कैलिब्रेशन एंड द क्वालिटी मेजरमेंट ऑल नेक्स्ट इज़ नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डायरेक्ट कॉस्ट एंड द इनडायरेक्ट कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट वो जो आपको सामने दिख रहे हैं जैसे कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग द कंप्लेन्स आपने जो भी सर्विस कंट्रोल uh, अपने यहाँ पर लगाया हुआ है देन उसके बाद में कॉस्ट ऑफ़ रिटर्न एंड रिफंड्स कुछ भी ख़राब हो जाता है तो आपको वो करना होगा कस्टमर सपोर्ट जो भी आप दे रहे हैं वो ये इसके अंदर आ गया लीगल एक्टिविटीज़ जो भी हैं आपने आई पी आर या फिर प्लेगरिज्म जो भी अप्लाई करके रखा हुआ है वो कॉस्ट ऑफ पब्लिक रिलेशंस दैट ऑल्सो आप पी पी ओ सेट करके रख रहे हो एक कस्टमर कॉन्टैक्ट सेट करके रख रहे हो ये सारे आपके डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर आ जाता है इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंदर क्या आता है कि कॉस्ट ऑफ सेल फ्रॉम दीज इफ़ेक्ट्स एंड द लॉस्ट ऑफ द पोटेंशियल अगर आप कि कोई चीज़ खराब हो जाती है तो उसके कारण आपकी क्रेडिबिलिटी कितनी खराब हो रही है आपकी सर्विसेज एक्सपैंड नहीं हो सकते और ज़्यादा आपके जो कस्टमर है वो रिप्लेस हो रहे हैं आपकी सर्विसेज जितना ज़्यादा मतलब माउथ टू माउथ पब्लिसिटी हो सकती थी वो उतना ज़्यादा नहीं हो पा रही है तो ये सारे आपके लॉस हो सकते हैं इनडायरेक्ट लॉस अब हम इस चार्ट को समझते हैं सबसे पहले आपकी डायरेक्ट कॉस्ट है ये आपको जो कर्व दिख रहा है ये कर्व क्या बता रहा है कि आपके जैसे जैसे प्रोडक्ट बढ़ते जा रहे हैं ये बीच में कॉन्स्टेंट होकर फिर ये भी इंक्रीज होते जाते हैं आपके कॉस्ट पर यूनिट अगर आपकी क्वांटिटीज बढ़ती जाती हैं तो आपका कॉस्ट भी आपका बढ़ता जा रहा है ठीक है नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि इनडायरेक्ट कॉस्ट की बात करूं ऑब्वियसली मैंने इसमें क्या बताया था कि आपकी क्रेडिबिलिटी खराब हो जाती है आपके डिफेक्ट्स के कारण या फिर आपकी मार्केटिंग कम हो जाती है इस टाइप की कॉस्ट क्या होगा अगर आपकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा सेल हो रही है और बन रही है उतना मैनुफैक्चर भी, भी हो रही है उतना सेल भी हो रही है दैट मीन्स कि आपके ये सारे कॉस्ट तो कम हो ही रहे हैं ना उसके बाद में एक ऑप्टिमल कॉस्ट आता है टोटल कॉस्ट इज़ नथिंग बट डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट नेक्स्ट दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट ग्राफ हम इसमें बात करते हैं कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस एंड कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फर्मेंस की और हम इससे एक क्वालिटी निकाल के आते हैं ऑप्टिमल जिसको हम टोटल कॉस्ट बोलते हैं इन दोनों के सम से निकल के आती है जो जैसे हमने ए को डिस्कस किया था कि अल्टीमेटली आप मिक्स मैच मिसमैच कर लो देन आफ्टर आपका एक एक ऐसा प्रोडक्ट निकल जाएगा कि जिसके प्राइस भी सही होगा और क्वांटिटी क्वालिटी भी सही होगी यहाँ पर भी हम ऐसा ही करते हैं कि इसका अप्रेजल कॉस्ट को मेंटेन uh, करना अलोंग विद इट्स फेलियर कॉस्ट तो ये सारी चीज़ों को मैनेज करके रखने के बाद में आपकी जो क्वालिटी आती है दैट इज़ योर टोटल क्वालिटी अभी सबसे फैक्चुअल बात है कि प्रिवेंशन कॉस्ट को अगर आप इंक्रीज़ करोगे तो आपका फेलियर कॉस्ट डिक्रीज होगा अगर मैं प्रिवेंशन कॉस्ट के बारे में देखूँ तो उसको ऐसे देखना चाहिए हमें कि वो किसी कंपनी का इन्वेस्टमेंट है अगर आप इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा रखेंगे तो आपको रिटर्न भी उतने अच्छे मिलेंगे अगर आप इसकी क्वालिटी रखने के लिए इसका प्रिवेंशन कॉस्ट बहुत अच्छा करते हैं इसकी ट्रेनिंग इसके एवरीथिंग सारी चीज़ों के लिए आप बहुत ध्यान देते हैं तो बाद में इसके ख़राब होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं तो खराब होगी नई चीज़ तो आपको उसको सुधारने के लिए पैसे नहीं लगेंगे नेक्स्ट प्रिवेंशन कॉस्ट इंक्रीज होता है तो आपका अप्रेजल कॉस्ट डिक्रीज हो जाता है मतलब अगर आपने पहले ही प्रिवेंशन कॉस्ट को इंक्रीज करके रखा है आपके इन्वेस्टमेंट को अच्छा करके रखा है तो आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग के बाद में उसको मेंटेन करके रखने में आपको कम लॉस होगा क्योंकि आपने इनिशियल स्टेट में ही उसको बहुत अच्छे से बूस्ट करके रखा हुआ है दिस इज़ वन मोर चार्ट विच विल डिस्क्राइब मेनी ऑफ द थिंग्स लाइक योर वॉरेंटी क्लेम योर रिजेक्ट इन स्क्रैप्स एयर वेस्ट पुअर सर्विसेस लॉस ऑफ कस्टमर फॉल्ट इन वॉइस रिपीट ऑल दिस नॉन कन्फॉर्मेंस कॉस्ट एंड दिस कन्फॉर्मेंस कॉस्ट अगर आप कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं आप ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं जिससे आपका कॉस्ट रिड्यूस हो सकता है तो आफ्टर दैट आपके नॉन कन्फॉर्मेंस वाले तो कुछ बचेंगे ही नहीं क्योंकि आप कन्फॉर्मेंस में एक अच्छी कंपनी वही होती है जो कस्टमर के पास पहुँचने से पहले ही प्रोडक्ट को बहुत अच्छा कर दे जिससे बाद में फेलियर और ऐसी कोई भी चीज़ें ना आए जिसके लिए उसे बार बार परेशान होना हो तो दिस इज़ द थिंग सो थैंक्स फॉर लिसनिंग दिस वीडियो स्टे फोकस स्टे हैप्पी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू